دام لکه نو سبا کی کیدی شي دام وسیږي जी। देखिए मोटरवे पे हम खड़े हैं और ये बहुत सरसबो शादाब दरख्त था, मगर पानी न होने की वजह से ये मुरझा गया और चंद दिनों के बाद ये खुश्क हो जाएगा। अब ये जिसकी भी जिम्मेवारी है, हम किसी इदारे पे हम उसको मुर्द नज़म नहीं ठहराते, मगर कहीं हमारा कौमी साथ है। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का बना हुआ एक मोटरवे है पेशावर टू इस्लामाबाद, और ये हालत ये कि देखो ये मेन रोड पर ये पौधे जो है ये मुरझा रहे हैं, खुश्क हो रहे हैं, और आगे जाके हम आपको ये भी दिखाएंगे कि जो उनको आग लगाया गया, आग लगाने की क्या नुकसान थे। हम जो बॉटनी के एक्सपर्ट हैं, माहिरीन हैं, उससे पूछ के आपको बता देंगे, मगर ये अलमिया है, कौमी अलमिया हमारे ये है। ये जो पौधा है आपके सामने है, ये खुश्क हो रहे हैं और पानी न होने की वजह से चंद दिनों के बाद इसमें कितना खर्चा आया था जिसको अल्लाह जाने इसके रिकॉर्ड में होगा, मगर काफ़ी कामयाब दरख लग रहे हैं, बिल्कुल मेच्योर लग रहे हैं और ये बिल्कुल खुश्क होने वाला है और चंद दिन के बाद फिर उसका इसकी तस्वीरें किताबों में आएंगी। टिकाने लगाया नहीं गया है, इसको सही टिकाने अगर लगा दे तो ये आग भी न पकड़े। नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे और सब खड़े हैं मजबूर रोड के पेशावर टू इस्लामाबाद। देखो देखो आपको ये जो ग्रासेस नजर आते हैं खुश, एक तो ये खुश हो गए, दूसरा ये देखो कितना खर्चा होगा कि आपको खुश हो रहे हैं, और ये सारे खुश होकर चंद दिनों के बाद ये दबाव जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब इसको पानी देना किसकी जिम्मेवारी है, उसको तो वो तो ये लगता है कि बिल्कुल जहन का किसान और बिल्कुल ये लावारिस लगता है, मगर हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते कि अल्लाह ताला बारान रहमत बरसा दे ताकि ये जो कीमती पौधे हैं दरख्त हैं ये खुश होने से बच जाए, हम ये दुआ कर सकते हैं। और तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम बदकिस्मती से हमारा जो माशरा इतना बेहिस हो चुका है कि कागज़ में इस पर लाखों करोड़ रुपये खर्च किया होगा, सब कुछ भरा होगा, मगर अंजाम इसलिए कि अभी देखो ये खुश हो रहे और ये निकाल कर ये कागज जो है इसका भी हालत ये देखो ये बिल्कुल इसमें गंदगी ये सारा प्लास्टिक वगैरह लोगों ने फेंक के इसका मेंटेनेंस इसका सफाई का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, और ये देखो सारा खुश हो गए सारे, और ये आगे जाकर उसको आग भी लगाया गया और आग लगाने के कितना नुकसान हुआ ये तो बात की बात है। मगर मेरा मैं हम आपको बता रहा हूँ कि देखो ऐसे हजार की बोलने की ये जो पौधे क्योंकि ये खुश होने के करीब है। बिल्कुल
नाजरीन आप देख रहे हैं कि मोटरवे पे इस वक्त हम खड़े हैं, पिशावर टू इस्लामाबाद मोटरवे। और ये आप देख रहे हैं कि पौधों के बीच में प्लास्टिक और दस्ताने, गिलासेस, दुनिया जहां की गंदगी यहां पे पड़ी हुए हैं और इसके मेंटेनेंस का कोई बंदोबस्त नहीं है। ख़ासकर जो उनको आग लगाया गया तो कीमती लकड़ी, कीमती जो दरख्त है, पौधे, कौमी जो दरख्त है दियार, उसको भी जलाया गया, उसको बहुत नुकसान पहुँचाया गया। अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मिस्टर हैजा पार्टी मोटरवे पर बैठा हूँ। ये आग लगाया गया और उस वजह से ये लोगों के लिए ये पौधे भी जलाया गया। आज अगर जय सालिक यहाँ मौजूद होता वो ज़रूर अपने सर पे मिट्टी डालता, क्योंकि वो एहतजाज करता, उसके एहतजाज का तरीकाकार ये था वो सर पे मिट्टी और रेत डालते डाल के अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाता। तो हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, खासकर जो रियासत मदीना नया पाकिस्तान का दावेदार है, इंसाफ के दावेदार हुकूमत, उनसे अपील करते हैं और जो इंडियन सुनामी की और जो ट्री प्लांटेशन पे वो अरबों रुपये लगा रहे हैं उनसे खासकर हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और ये जिस इदारे की भी जिम्मेवारी थी हम इस पर कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। ये आपका काम है, इंक्वायरी कर लें ये क्यों आग लगाया गया, क्यों ये कीमती पौधे इनको जलाए गए और इस पर कितना खर्चा आया था, इसका भी जरा बजट मंगवा लें कि कितना खर्चा आया था इसके कागजों में। और उसका हालत ये, इसको कोई पानी डालने वाला नहीं है, हालत ये कि अगर इसको पानी डालते कम से कम महीने में दो दिन पानी डालते तो ये पौधे जो है बड़े सख्त जान गिर वाले हैं और ये सर्वाइव कर लेते हैं, मगर इसका मतलब है कि उसमें कितने सालों से इसको किसी ने पानी नहीं डाला और इसका हालत ये हुआ कि खुश हो गया और आग जब लगाया गया तो आग लगाने से बाकी जो आसपास जो सबक पौधे थे वो भी जल गए। तो हमारा भरपूर मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, खासकर अल्लाह ताला ने हमें बहुत एक इंसाफ पसंद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दिए हुए गुलजार अहमद साहब से हम अपील करते हैं। चीफ जस्टिस साहब, हम भी सोशल वर्कर हैं, वैसे एक साहब भी हम खुदाई खिदमतगार हैं और हमारा इस मिट्टी के साथ हमारी हमदर्दी है, ये धरती जो है ये हमारी माँ है और हमारा जिसको दुख पहुँचता है हम जितनी दुखी दिल से ये बात कर आपको अपील कर रहे हैं कि इसको इंक्वायरी करा लें और ये किसने जलाया, किसने हाथ लगा दिया, इसमें कितने खर्च आया था, ये किसकी जिम्मेवारी थी, ताकि उनको कम से कम सजा मिल सके और उनसे ये रिकवरी कराया जाए। जब एकदम उनसे रिकवरी की जाए, उनकी तनख्वाहों से, उनके पेशन से, उनकी असासों से रिकवरी करके इसको दोबारा लगाया जाए तो ये और निशान नफरत बनेगा और इन तक कोई जरूरत नहीं करेगा कि कौमी सासी को इस तरह दड़के से नुकसान नुकसान पहुँचा सके। हाँ बस ओहो हो जो कोई है वो हवा है, साफ़ सुथरा करेंगे।
ये एक दरख्त है जो कुदरती तौर पर ये बच चुका है। देखो आप इसका अगर नीचे इसका तना देखें तो उस पर आग लग चुका है, मगर ये मौजज़ाती तौर पर बच गया है। और हम इस पौधे को सलूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं कि इसके बावजूद भी, इतनी सख्ती के बावजूद भी ये अगर ज़िंदा है, सलामत है और सर्वाइव करता है, तो हम उसकी सलामती के लिए दुआगो है। और अल्लाह ताला से भी दुआ करते कि अल्लाह ताला बारे रहमत बरसा दे। अगर बारिश बरस गया तो ये लावारिस पौधे जो है, जो यतीम है बिल्कुल शहर नापुरसान में लगे हैं, इनको अगर पानी मिल जाए तो ये दोबारा जिंदा होगी, दोबारा उगेंगे और यहाँ पे दोबारा खूबसूरती आएगी और यहाँ पे ग्रीनरी दोबारा आ सकती है। देखो मोटर पे जो दरख्त है तो इसको काटा गया है बड़ी बेदर्दी से, और इसका जो एक शाह है उस पर दोबारा टहनियाँ निकल चुकी है, मगर इसमें कुछ लगता है कि कुछ कीड़े लगे हुए बीमारी है। और इसका इलाज तो दूर की बात, इसको पानी डालने का कोई नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि इस पर ये कोई इसका इलाज करवाते, इस पर कोई ऐसी स्प्रे करवाते जो इस पर जो बीमारी लगी, जो कीड़े लगे हैं वो ख़त्म हो जाता, पेस्टिसाइड वगैरह। अगर पेस्टिसाइड न डाले तो कम से कम उसको पानी तो डालते, जब इसकी अपनी जब उस इम्यूनिटी मजबूत हो तो ख़ुद भी बचा सकती है, मगर ये इतनी कमज़ोर हालत में है कि अब इसमें बीमारियाँ असर करती है। ये नाजरीन आपको जो सुराख नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे चूहों ने मतलब कटे किए, सुराख किए, और चूहे भी इन दरख्तों की जड़ें काट रही है। तो अगर ये बेचारे पौधे लावारिस ना होते, इसका कोई मालिक होता या कोई इसका रखवाली होता, तो वो इन चूहों से उसकी जान बचाती, उसके लिए कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करते या कुछ ऐसा करते कि ये चूहे इनको नुकसान न पहुँचाए। तो ये चूहों ने भी मिट्टी निकाल के ना इसको जड़ें काट रहे हैं और उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। द्रव्य
शेर मुझे याद आया अपने नजाकत की दाद पान से कहा किला जरूर मगर खुल के मुस्करा किस्मत पौधे हैं उनको बढ़ना बढ़ना बड़ा होना चाहिए था। अब इसमें लाखों रुपये लगाए गए कागजों में न जाने कितना लाख कितने रुपये इसका बजट होगा और कई दिन तक इसको पानी डाल के इसका मेडिटेस होता बाकी उसकी रखवाते मगर जो नाहल इदारे हैं तो मैंने उसको आग लगा कर उसको हम सके ने खुश कर दिया कि तबाह हो गया और देखो इसका जो बिल्कुल बुरा फैला हो चुका है। मैंने ये चाहूँगा कि इसकी मेंटेनेंस रखे और इसकी चलाने से न सिर्फ तो रसा हुआ बल्कि ये जो ज़मीन है ये खुश हो जाती है और उसकी बारिश की जो है वो पानी जज़ब नहीं होता और ये वालीवर बंजर बन जाता है और तरीका बिल्कुल गलत है। इसका जोर मजम्मत करते हैं काटते रहते हैं। ये जो हम डायरेक्टर जनरल फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन FWO के DG को भी अपील करते हैं वो तो इसमें इंक्वायरी करा रहे हैं समझ आया है कि किसी मुहाली की इसका मेंटेनेंस करना तो वो जो भी मुताबिका जो उनका स्टाफ है पूछे उन्होंने क्यों उसका आग लगाया और वो जो उस तरफ जो है वो DG की ताकत है वहाँ पूरे गुजार है खूबसूरत और फूल लगे हैं पौधे लगे हैं मगर जो DG की जो इससे जो आती है ये आग लगा कर जलाया गया है तो हम छोटे से दरखास्त करते हैं कम अज कम बता रहा है मतलब तरस खाएँ उसको ले जलाएँ या हमारे दोस्त हैं या हमें ऑक्सीजन देते हैं हमारे जो माहौलियाती तगैरात हैं और जो मुसलमान रखते हैं तो कम अज़ कम इस पर मतलब जलाने की बजाय उसको बंद कर बड़ा करना चाहिए ताकि आपको उसको हो जाए। कब चलते मिले
کلومیتر کې موږ تاوان इसमें देखो लगता ही है कि किसी परिंदे ने अंडे भी डाले हैं, मगर उस बदकिस्मत परिंदे को क्या पता कि मेरा किस्मत परिंदे को पता नहीं था कि मेरा आशियाना जल जाएगा अंडे से बच्चे निकलने से पहले पहले। तो देखो ये अंडे भी नज़र आते हैं मगर उसको भी जलाया गया। نیشنل ہائی وے تھرٹی موٹروے کا جب یہ خبر ہوئی سامان موٹروے کا تاسو کے تل چی موٹروے بن چکی بوٹی لے کے دن جی تو اس وجہ نا کسی شیو چی تاسو دی گلی پکار خدا وا دی بوٹی دا عمر کلی شیو وے خصمانے شیو وے دا رکھی وے اون دا بعد مرگا اپا چی کم واقع دی اپنے بھاگ کم واقع دی کسی اور لگو لے دا بوٹی چی کم دی دا دے بخل قدرتنو مالک کری دی دیتا قدرم چوبانی دا چوبانی دا چکاری سکا جمع کو پکی غارو نہ کری دی او ساتھ انجام داشو چکل اپنی دی وقت اور نہ کی دو دا بودی خوزی کری دی او دا سنگو بودمانو دا بودی دی پر نشرا بود سے خطر دی بدی بانے با پکا غزون کی سور پیسے لگی دی پکار دی چی چی پیسے سا پاکستان اس را زندگی دی تیرو کی او اور ادو کی راضی چی دا ایف دبیو زی مواری دا فرانٹی ورک ارگانیزیشن اس بدی بانے با گو سور پیسے خوزی دا اللہ تک اترا او دا تقریباً دا نیچ کلومیٹر کی دا پسول و بوٹی دا سوزنی دی نمونگا چکی سکا پاکستان کا پرزور اپیل کو دا اپینا مختلف کو چی پتے کی دیر پیری مقرر کی او چاچی کی دا اور لگو چاچی سوزنی دی او چاچی دا بوٹی کرنی دی او دی تو بنی دا چولی دا چاچی مواری وا اگوی تو دی صدا و کشی او دا دی تاوان دا اگوی دا جیبون دا اگوی دا خاکان دا یا اگوی دا پیشن نا یا اگوی دا سبکو نا اگوی جداد دا ریکاور کرشی دارا قوانی خوزانا کی جمع کرشی او بدا کو مسئلہ دیوارہ کو جونے کو کشی او آگے تیرے باقی دا اوپر کو کشی دکا شو طرف دا عمران خان دا تنکیلی تقریبی سرکار دا احساب نارا لگی ریاست مدینہ نارا لگی او اربون روپے پر بیلین سونا میں تھی پلانٹیشن مانے اربون روپے لگی من طرف دا چھے پر مدینہ مانے کمپوٹی لگی دلی جی دا سو جی دلی جی غورے وطلہ گول دے او دا بوٹی تباشی د په کاغذونو کې پدې باندې پنځه روپیه خرچه راغلې ده او انجام یې دا ده چې دا د خپل بلوغت د مخکې مخکې د اوسو کېدل او دوی هغه خپل ژوند پوره نه کړي
दिस इज पिशावर मोटर वे, मिलियन ऑफ रूबीज स्पेंट ऑन प्लांटेशन, सो मेनी सैपलिंग वर प्लांटेड हियर बिटवीन द टू रोड्स ऑफ पिशावर इस्लामाबाद मोटर वेज. Unfortunately, these plants were never irrigated. The concerned staff never given arranged water for these plants, and as a result, they were dried. As well as between the two roots, ashes was and the grass was also dried, and they burnt. And when they cutted these grass, alternately these plants were also burnt with the fire, and definitely they dried.
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पौधों को जलाना कुछ ऐसा लगता है मुझे जैसा कि किसी आबादी को जलाया जाए। जिस तरह आबादी जलाने में उनके जो मकानात है, उनके जो अफराद है, उनके जो जीस्त के जितने वसाइल है सारे तबाह हो जाते हैं, इसी तरह पौधों की भी छोटी छोटी आबादियां हैं। अगरचे हमें एहसास हो या ना हो लेकिन है उनकी आबादियां और उनका इन्हसार होता है आपस में एक दूसरे पे। और इन पौधों के दरमियान में छोटे छोटे ऐसे इंसेक्ट्स हशरातुल अर्द मौजूद रहते हैं जो कि एक दूसरे का सहारा होता है। और इनके अलावा इनकी जो ज़मीन है, जो यहाँ पानी है, वहाँ दूसरे वसाइल हैं, सारे उनके रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर आप इसको जलाते हैं तो जलाने के बाद इनकी जो एक नेटवर्क होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और नेटवर्क जब तक नेटवर्क आपस में कंप्लीट ना हो तो फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन जब नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है तो वो फ़ायदा नहीं होता। एग्जैक्टली जिस तरह हमारी गाड़ियों में फ्यूज़ उड़ जाता है तो फिर लाखों की गाड़ी में अगर सब कुछ मौजूद है लेकिन एक फ्यूज़ ख़त्म होने के बाद पूरा वो सर्किट कंप्लीट नहीं होता। एग्जैक्टली इसी तरह होता है कि अगर किसी पॉपुलेशन में जंगल में या किसी आबादी में पौधों की वहाँ आप कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो उससे जो फ़ायदा होता है वो ख़त्म हो जाता है। और इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। उससे जो फ़ायदा मिलता है वो फ़ायदा फिर नहीं मिलेगा आप हमें। इसके लिए आपस में भी इनके जो नुकसान है, इसके अलावा ज़मीन जो है वो ख़राब हो जाती है और फिर वो ज़मीन उस ज़मीन में पानी का एब्जॉर्प्शन लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए ये जो जलाने का अमल है ये बहुत ख़तरनाक है। दूसरी बात यह कि ये जो पौधे हैं इसको रिसाइकल भी किया जा सकता है। अगर आप एक जगह पे इसको ज़मीन में दफना के कुछ अरसे के लिए छोड़ दे तो इससे ज़बरदस्त ऑर्गेनिक वो जो ह्यूमस है वो बन जाते हैं, फिर दोबारा वो पौधों की के लिए कारामद होता है। तो बजाय इसके कि जलाया जाए, वाई ना इसको क्यों इस तरह ना किया जाए कि इसको दोबारा रिसाइकल करके पौधों के अभ्यारी के लिए, पौधों की खुराक के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। देखिए ये जो सक्सेशन होता है ये जो मोटर वे इस पर हमारा आना जाना रहता है और इस पर काफ़ी सालों से मोटर वे वाले बड़ी मेहनत से मशक्क़त से काम कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। बल्कि इन्होंने जो पौधे लगाए हैं ये नेनारॉप्स रेडशियाना, ये हमारा वाहिद वाइल्ड पाम है जो कि यहाँ हमारे पहाड़ियों में पाया जाता है। लेकिन इन्होंने बड़ी मेहनत से ये इसकी एज जो है 10 साल से ज़्यादा है ये जो इन्होंने लगाया था। तो इनको इन्होंने बड़ी मोहब्बत से प्यार से बड़े तरीके से लगाया था। और लास्ट ईयर 14 अगस्त को एक वाहिद इन मोटरवे वालों ने सेलिब्रेट किया अजीब अंदाज से कि नेनारॉप्स रेडशियाना ये जो मेजरे पाम है इसको लगाए। इनके जो बड़े महकमे के ऑफिसर्स हैं, जो मकामी आमायदीन थे, जो लोकल लोग थे सारे, और इस तरह बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थे, फैमिली वाले भी थे, सारे मिल के उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया और पौधों को लगाया इन्होंने। तो ये बड़ी मोहब्बत से काम करते हैं। लेकिन ये जो जलाया गया है मेरे ख्याल में ये ऑफिसर्स का तो कुछ पता नहीं, वो तो चाहते हैं कि कुछ हो, लेकिन ये जो वर्कर्स साहिबान हैं, जो माली साहिबान हैं, ये मुझे इन लोगों की गफलत का शाखासना लगता है। मोटरवे पे जो पौधे घास फूस जलाने की मद में जो पौधे जलाए गए क्या कहेंगे? जी मैं बहसियत बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फाउंडेशन के तर्जुमान की हैसियत से ये बताना चाहता हूँ कि
ये बहुत गलत हुआ है और इसको सिर्फ कामचोरी की वजह से पहले घास को काटा गया है, फिर उसको आग लगा दी गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पौधे जल गए हैं, जिस पे लाखों रुपए के का खर्चा आया था। और बजाय इसके इसके लिए हमारी सजेशन है कि इसके लिए ड्रिप इरिगेशन, उसको कभी पानी डाला नहीं गया है, उसकी फोटेज भी है हमारे पास, हज़ारों लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फाउंडेशन की तरफ से अपील करते हैं कि इसका अजाला किया जाए और इसकी जो जिम्मेवार लोग हैं उनसे इसका तावान लिया जाए। तसुदी तपकम नजर गोरे द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फाउंडेशन द तर्जुमान बहसियत द खबर कोल वालम छे मोटरवे बानी पजरगुन खलक जी और ददे पमंस के छे दकम बूटी व एक सरा कम वाखून दे मुतालिक महकमो अवल गरीब बुली दी और दर देर काम चोरे पवज बानी पजर दे छे दे टोल कड़े वे और तरफ ते कड़े वे अरे ते और लगो ले दे दा गवर द वजन हर कीमती कीमती बूटी पे किस्मत दिल्ली दी छे पहले कुन रुपए पे हुकूमत खर्चा छे दे दा मंगदा गुफ्तना को छे ददे तपोस दूशी और दाइज कम जिम्मेवारान छ दी ददी खिलाफ़ दिन इंक्वायरी उशी और ददे शिदेन वापस ददे रिस्टोरेशन द पारा ददे वापस तले गोलो द पारा दे इंतज़ाम उशी और ख़ास कर ददी द उबो द पारा का दी सोलर सिस्टम की दी शी ददे ड्रिप इरीगेशन नो सऊदी अरब के पशुगो की लगा वाली जमुन खौर खुड़े जरखे जखौर द दिल तक पकोटो बूटी राखी जी नो द बूटी दिल तजाय रसवजो लो दे सही तरीक़ा बांध कार पकार दे बखोरुशी और दे हिफाजत उशी जगह शिदा ऑक्सीजन राखी दा दे मोटरवे शिदा सोने लुगी गाड़ी फ्रीजी दा सफ़ा की वापस मंगता हवा सफ़ा गई नो मंगजा वख्ता न को शिदा वापस दा रिस्टोर शी।